बैक टू द वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक फेस्टिवल जिसकी सजेशन हमें दी है यश ने और मीनाक्षी ने, और वो कौन सा फेस्टिवल है बताएंगे मौसम। टाइटल है जयपुर गंगोर फेस्टिवल 2017 द कंप्लीट स्टोरी। वैसे वीडियो तो ये 2017 की है, लेकिन क्योंकि ऐसा बोला गया था कि काफी डिटेल में वीडियो है, तो हम लोग इसे ये देखने जा रहे हैं और 2022 में देखने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कर फॉलो करेंगे चैनल को, उसके अलावा लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कर फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये फेस्टिवल। भारत रंगों भरा देश है, उसमें रंग भरते हैं भिन्न राज्य और उनकी संस्कृति। हर राज्य की संस्कृति झलकती है उसकी वेशभूषा से, वहां के रीति रिवाजों से और वहां के त्योहारों से। हर राज्य की अपनी एक खासियत होती है जिनमें त्योहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत का एक राज्य राजस्थान जो मारवाड़ियों की नगरी है और यहाँ की राजधानी है जयपुर। जी हाँ, जयपुर प्राचीन विरासत और संस्कृति को अपने में समेटे जयपुर, आध्यात्म और शिल्प कला की मिसाल देता जयपुर। विदेशी पर्यटक यहाँ के किले, महल, मंदिर एवं अन्य स्थलों को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ के त्योहारों, मेलों व उत्सवों को लोग बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। किसी भी त्योहार के अवसर पर ऐसा महसूस होता है कि मानो सारा शहर एक ही रंग में रंग गया हो। गणगौर मारवाड़ियों का बहुत बड़ा त्योहार है जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, न केवल राजस्थान बल्कि हर वो प्रदेश जहां मारवाड़ी रहते हैं इस त्योहार को पूरे रीति रिवाजों से मनाते हैं। ये त्योहार शिव और पार्वती की आराधना के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत काफी सालों पहले राजा के महल से हुई, जिसे सिटी पैलेस कहते हैं। रानियां अपने सुहाग के लिए इसे मनाती थी, जिसे आज भी इस शहर की महिलाएं पूजती हैं। चैत्र मास में मनाया जाने वाला त्यौहार गणगौर सभी सुहागन औरतों और लड़कियों के लिए खास होता है। हमारी अपने अच्छे वर्क के लिए और सुहागने अपने लंबी उम्र, अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये गणगौर पूछती है। आप पीछे भी गणगौर माता जैसे पूछती है, ये वैसे हमेशा पूछती रहनी चाहिए। होली के अगले दिन से पूजा शुरू हो जाती है जो कि अगले 16 दिन तक जारी रहती है। गणगौर माता पार्वती का एक रूप है और ऐसी मान्यता है कि माँ पार्वती भगवान शंकर से विवाह के बाद 16 दिन के लिए अपने पीहर आई थी। 16वें दिन भगवान शिव उन्हें विदा कराने आए और इसी प्रसंग को धूमधाम से मनाने का पर्व है गणगौर। इस त्यौहार की शुरुआत में पहले दीवार पर कागज लगाकर उस पर महिलाएं काजल, सिंदूर और मेहंदी की 16 बिंदियां लगाती हैं। होली की राख से ईसर और गौरा की सांकेतिक मूर्तियां बनाकर उनकी विधिवत पूजा की जाती है। पूजा में धूप का खास महत्व है। पूजा के दौरान महिलाएं पहले धूप से पूजन करती हैं। ये सब करने के साथ सभी स्त्रियां सुहाग के गीत गाती हैं और ये प्रक्रिया 16 बार दोहराई जाती है। फिर सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। पूजा के लिए बाजार में ईसर गणगौर, मालन माली,
कोली और कोलीवान की मूर्तियां जैसे पहले यहाँ पर भी ऐसे मिला करते थे। इसके अलावा कुछ महिलाएं अपने हाथों से भी पूजा के लिए मूर्तियां बनाती हैं। मूर्तियों को आटे से बने आभूषण और वस्त्र पहनाकर सजाया जाता है। गणगौर के लोकगीत भी बहुत ही रोचक होते हैं। पूजा के आठवें दिन ज्वार के बीज भूरी मिट्टी में बोए जाते हैं, जो अगले 8 दिनों में ज्वारे के रूप में उग जाते हैं। इन्हीं ज्वारों से तीज के दिन की जाती है गणगौर की पूजन। 8 दिन में शीतलाष्टमी की अगली रात से आने वाले 7 दिन तक ईसर गणगौर को गली में दीपक के साथ घुमाते हैं। इसे बिंदुरा बोलते हैं और गीत गाते हुए ये रस्म पूरी करते हैं। इस त्यौहार की एक बहुत ही अच्छी रस्म है जिसमें दो कन्याओं को दुल्हा और दुल्हन बनाते हैं। सोलह दिन के इस त्यौहार के 15वें दिन को सिंजारा कहा जाता है। सिंजारा यानी श्रृंगार का दिन। हाथों में मेहंदी रचा के और विविध 16 श्रृंगार करके महिलाएं तैयार होती हैं पूजा के अंतिम दिन यानी तीज के लिए। साथ ही इस दिन महिलाओं और रिश्तेदारों के बीच घेवर के आदान प्रदान का भी चलन है। ये है राजस्थान की मशहूर मिठाई जिसे घेवर कहा जाता है। ये आकार में गोल होती है जो कि गणगौर और तीज जैसे त्योहारों पर बनाई जाती है। ये 3 तरह के होते हैं, सादा घेवर, मावा घेवर और मलाईदार घेवर। तुम कौन सा खाओगे? गणगौर पर ये हर मिठाई की दुकान पे दोनों मैं ट्राई करना चाहूंगा। वैसे 3 बताए हैं लेकिन मैं 2 ट्राई करना चाहूंगा। होती है, इसे बनाने का तरीका बहुत ही अलग होता है जो यहाँ के हलवाई ही बेहतर समझा सकते हैं। मैं यहाँ जयपुर में काफ़ी सालों से हूँ और हलवाई का ही काम करता हूँ। मैं और मेरा परिवार 25 सालों से घेवर बना रहे हैं। घेवर एक बहुत ही स्वादिष्ट पकवान है। ये गणगौर और तीज के त्यौहार पर बनाए जाते हैं। इसमें हम लोग घी, तेल, गेहूं के आटे का इस्तेमाल करते हैं और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। जयपुर में ये काफ़ी मशहूर है और सब लोग इसे पसंद करते हैं। आखिरकार गणगौर का आखिरी दिन आ ही गया। आज सभी लड़कियां, बच्चे व औरतें अपने आसपास के किसी भी मंदिर से पानी लेने जाती हैं। पानी लाने के लिए सुहागनें अपने सर पे एक कलश का इस्तेमाल करती हैं, जिसे वे अच्छी तरह से सजा देती हैं। पानी लाने के साथ साथ ये यहाँ गणगौर माता के ससुराल वापस जाने की खुशियाँ मनाती हैं। आज के दिन नई शादीशुदा लड़कियाँ नई नवेली दुल्हन की तरह सच कराती है और इस पर्व का आनंद लेती है। मेरी ये शादी के बाद पहली गणगौर है। मैं इसे अपने पति की लंबी आयु और मेरे सुहाग की रक्षा के लिए पूज रही हूँ। इसे मनाने में एक अलग ही मजा है। हम जब दुल्हन बनकर दूसरे घर जाते हैं तो उसे ही अपना घर मान लेते हैं और जब नए रीति रिवाज सीखने को मिलते हैं तो इसमें काफ़ी मज़ा आता है और यहाँ जयपुर में इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये है जगन्नाथ जी का मंदिर। ये मंदिर 250 साल पुराना है। ये मंदिर शहरी इलाके में स्थित है। लोगों का कहना है कि यहाँ गणगौर पिछले 50 सालों से पूजी जा रही है।
50 सालों से। यहाँ की गणगौर जयपुर में काफी प्रसिद्ध है। हर रोज भोग लगाते हैं, इनके नए नए घर लेके जाते हैं। जैसे शादी में अपन गीत गवाते हैं, वैसे हर रोज हर लेडीज ले जाती है। कम से कम 50 लेडीज यहाँ हर साल इकट्ठी होती है और खूब एंजॉय करती है। झूले झूलने जाते हैं, झूले खेलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, गिफ्ट बांटते हैं। मतलब जैसे एक शिव पार्वती की पूजा होती है ना, साक्षात शिव पार्वती यहाँ आते हैं। और अब की बार सफेद जवारे आए हैं जो शिव पार्वती का रूप है, भगवान साक्षात यहाँ पे आए हैं। सब मिलकर नए जोड़े हैं, कम से कम 4-6 नए जोड़े हो जाते हैं। बहुत अच्छी रहती है यहाँ की गणगौर, विशेषकर बहुत ही अच्छी है। और जगदीश जी के मंदिर के अंदर हर साल डाली जाती है और हर लोग दूर दूर से भी बिना जान पहचान के, बिना उसके अनजान आदमी भी यहाँ की गणगौर पूजता है। एक विश्वास बना हुआ है कि उस मंदिर में तो गणगौर डली ही है। एक विश्वास के साथ आदमी यहाँ आता है, अपनापन मिलता है सबको और खूब आराम से आनंद लेते हैं। सब सहेलियाँ बातचीत करते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, जवाने बोलते हैं, खूब एंजॉय करते हैं यहाँ पे। और किसी को भी ऐसा नहीं लगता, बुरा नहीं लगता यहाँ पे आके कि हम गलत आ गए। सबको एक जैसा व्यवहार मिलता है, सबको एक जैसा एंजॉयमेंट मिलता है। जयपुर का ये बहुत अच्छा त्यौहार है। मैं खुद सर्विस हूँ लेकिन मैं यहाँ के लिए समय निकालती हूँ और 16 दिन खूब आराम से गणगौर पूजती हूँ। और इस त्यौहार को मैं चाहती हूँ कि हर साल पूजती रहूँ। आज मेरी उम्र हो चुकी है लेकिन 25 साल के होते हुए भी मैं गणगौर पूजती हूँ। ये सुहाग के लिए पूजा जाता है, सदा सुहाग रहे। औरत ये चाहती है कि मेरा पति लंबी उम्र रहे, मेरे पति की लंबी उम्र रहे। उनके पीछे हम श्रृंगार करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सब करते हैं। तो विशेषकर ये सुहागनों के लिए त्यौहार है, गणगौर माता का त्यौहार, शिव पार्वती का है। हर साल यहाँ 2 दिन तक शाम को गणगौर माता की सवारी निकलती है। ये सब उसी की तैयारियां चल रही है। शाही सवारियां और नाच गाने वाले महल के बाहर दूर दूर से आए पर्यटकों का उत्साह बढ़ाते हैं। हमने ऐसे ही एक कलाकार नेहरू जी से बात की जो काफी सालों से इस अवसर में अपना योगदान दे रहे हैं। तो मेलों में लगती थी। मैं यहाँ हर साल गणगौर पे रंगोली बनाता हूँ। इसे बनाने में मुझे 2 जनों की जरूरत पड़ती है क्योंकि रंगोली के अलावा रंगों से होने वाली सारी सजावट भी हम ही करते हैं। मैं ये 20 सालों से बना रहा हूँ। ये बड़ा ही मुश्किल काम है पर अब मुझे इसे बनाने की आदत हो गई है। ये सिटी पैलेस का वो गेट है जहाँ से गणगौर सवारी बाहर निकलती है। सिटी पैलेस हमने देखा। लीजिए, इंतजार खत्म हुआ, माता ने अपने दर्शन दे ही दिए। यहाँ से माता अपनी पालकी में शहर भ्रमण के लिए रवाना हो जाती हैं। किसी दूसरे शहर के लिए ना, है ना? पीछे सारी लेडीज हैं। काफी बड़ा होता है ना? बस अंदर से हिलाए छोटा। मेरा नाम ली है और मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। मैं यहाँ गणगौर का त्यौहार देखने आया हूँ। एक अलग ही अनुभव है, इतने सारे रंग एक ही जगह देखकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ का माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं राजयुग में पहुँच गया हूँ।
ये त्योहार मुझे बहुत पसंद आया। हमारी शादी कुछ साल पहले ही हुई है और हम दोनों हर साल इस त्योहार को देखने यहाँ आते हैं। हम यहाँ एक गणगौर मेला घूमते हैं, गणगौर माता के दर्शन करते हैं। ये राजस्थान का एक बहुत ही दिलचस्प त्योहार है। मेरे तो लोकल जुबान में बात, इसमें आपको राजस्थान के सारे रंग दिखाई देते हैं। गणगौर माता की सवारी बहुत ही धूमधाम से शहर में निकलती है। ये सवारी प्रारंभ होती है सिटी पैलेस के जनानी देवड़ी गेट से और छोटी चौपड़ होते हुए पहुंचती है अपने अंतिम स्थान ताल कटोरा पे। सुबह की निकली शाम को यहाँ सभी लोग 16 सिंगार से पूर्ण माँ पार्वती यानी गणगौर माता का आशीर्वाद लेते हैं। माता को देखने के लिए काफी भीड़ जमा हो जाती है। कुछ देर रुकने के बाद माता फिर से अपनी पालकी पे सवार होकर पैलेस की ओर चल देती है। मेला अब खत्म हो चुका है और ये अब अगले साल ही फिर से देखने को मिलेगा। जहां एक और माता का मेला चल रहा था वहीं दूसरी तरफ यहां भी भीड़ लगी हुई है। गणगौर का आखिरी दिन है इसीलिए सभी महिलाएं यहां गणगौर माता को विदा करने आई हैं। सभी मूर्तियां विसर्जन के रूप में विदा कर दी जाती हैं। त्योहार आपकी संस्कृति के रंग बिखेरता है पर क्या आने वाली पीढ़ी इन रंगों को सहेज कर रख पाएगी? ये बाकी क्वेश्चन मार्क है। फेस्टिवल की बात करें तो नो डाउट इंडिया में तो आपको बेतहाशा फेस्टिवल देखने को मिलते हैं, लेकिन आप जिस भी फेस्टिवल को उठाकर देख लेना उसके बारे में आप जब रीड करना शुरू होते हैं या उसके बारे में जानना शुरू होते हैं तो आपको एक डिटेल्ड हिस्ट्री मिलती है उसके पीछे। बिल्कुल, और आज का फेस्टिवल तो भाई मैं कहूंगी महिलाओं के लिए है क्योंकि सारे महिलाओं के लिए होते हैं, बहुत कम योगदान है। नहीं देखो, बेसिकली जो लड़कियां हैं या जो शादीशुदा औरतें हैं जिनकी अभी भी शादी हुई है या वो अपने हस्बैंड के लिए और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो इसलिए कि हम लोगों को अच्छा हस्बैंड मिले तो इसलिए पूजा करते हैं। तो हर किसी का भाई पीछे मकसद होता है कि हम लोग जो होते हैं ना कि ऊपर वाले से दुआ कर रहे होते हैं कि याला कोई ऐसा बंदा जिंदगी में लाना जो वाकई में ना कहते ना कि जिंदगी संवार दे ना कि जिंदगी बिगाड़ दे। तो उसके लिए औरतें बेचारी शुरू से ही जो है ना वो दुआ कर रही होती है प्लीज अच्छे वाला। या वैसे अब तो जो टाइम चल रहा है ना इसमें मर्द हो या औरत हो दोनों यही दुआएं करते हैं कोई ऐसा मिले या कोई ऐसी मिले जो क्या नाम लेते घर को घर बना के रखे। ये नहीं कि वहां पे हर टाइम कोई इस तरह की जो है चीजें होती रहे, लेकिन जो है मैं अगर बात करूं इस जो है गणगौर फेस्टिवल की, इसमें एक चीज जो मेरे लिए सबसे हैरान कुन थी कि जो उन्होंने ज्वार के बीज बोए थे वो 8 दिन बाद कैसे उग गए इतने ज्यादा हैं। वो काफी ज्यादा चीज है मट्टी के अंदर काफी ज्यादा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है मुझे गार्डनिंग का इतना शौक नहीं है, मुझे पता नहीं गार्डनिंग में क्या होता है किस तरह होता है, तो मेरे लिए काफी ज्यादा जो है ना वो हैरान कुन एक चीज थी। लेकिन मुझे वैसे सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी जिस तरीके से वो टीका लगाते हैं 16 चीजों का मतलब एक हिसाब रहता है। तो मैं एक चीज जरूर देखती हूँ, अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या वो एक 16 टाइम जो टीका लगाते हैं क्या लॉजिक है, बट एक चीज मैं जरूर देखती हूँ ये कुछ खास चीजें जो होती है ना मतलब जैसे पूजा होती है कोई भी फेस्टिवल होती है और उसको जब प्रैक्टिस करते हैं लोग तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहती है। तो वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि आई थिंक इसमें वो जो टीका लगाने की जो जैसे कि सिंदूर से काजल से और मेहंदी से लगाया है टीका, तो आई थिंक उसका रीजन ये होगा कि जो सुहागन मेरा उधर ही गया जो मैरिड लड़कियां हैं औरतें हैं या उनकी एक निशानी हुई ना मतलब उस तरीके से मेहंदी लगाना
फिर उसके बाद सिंदूर लगाना, काजल लगाना, ये तो एक तरह से सजने सवरने वाला वो एक आ जाता है। अच्छा, वैसे बीच में एक महिला आई थी, वो थोड़ी एजिड थी, तो वैसे तो मुझे लगता है वो राजस्थानी में ही बात कर रही थी, लेकिन जो है आगे डब किया गया हुआ था, लेकिन उनके पीछे वो जो है ना टीके जो आए वो बड़ा खूबसूरत लगा, क्योंकि काफी ज्यादा महिलाओं ने लगता है, काफी ज्यादा महिलाओं ने मिलकर लगाया, तो काफी ज्यादा आर्टिस्टिक लग रहा है। हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा मुझे एक और चीज बड़ी अच्छी लगती है भाई, मुझे बहुत कलरफुल साड़ियां देखने को मिली इस फेस्टिवल में, कि जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने ना बहुत यू नो खिले हुए रंग पहने हुए थे, और जो स्पेशली जो सिटी पैलेस से निकला था, जब हम कहेंगे कि लोग जो है वो निकले थे पार्वती माँ को लेकर, तो उस टाइम पर जो खवातीन ने साड़ियां पहनी हुई थी मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि चुनरी वाला प्रिंट अच्छा लगता अच्छा, है। वैसे ये राजस्थान का एक ट्रेडिशनल जो है ना स्टाइल है ये वाला। हाँ, जो है ना साड़ी का, ये राजस्थान का ट्रेडिशनल स्टाइल है। अच्छा, एक और मैंने सॉरी मेरी मम्मी को बहुत पसंद था ये चुनरी वाला ना, मुझे हाँ मुझे याद आया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात पूछना चाहूंगा, ये जो है पार्वती माँ की जो है जो मूर्ति को लेकर जाते हैं, फिर उसके बाद शाम को लाकर वहां पे रख देते हैं, फिर उसके बाद जब दोबारा अंदर लेकर जाते हैं, यानी कि जब खत्म हो जाता है, तो वो दोबारा से चक्कर लगवा के लेके जाते होंगे कि वहीं से पैलेस के अंदर ले जाते होंगे। मुझे तो लग रहा है कि अब सर्जन कर देते, क्योंकि एक नहीं नहीं हाँ। बड़ी वाली मूर्ति की बात करो ना, क्योंकि एक दरवाजे से निकाल के दूसरे दरवाजे से जो है पैलेस में एंटर हुए हैं, उसके बाद वहां से उठा के फिर ये बताया गया कि पैलेस के अंदर ले जाते हैं, लेकिन ये मैं बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ कि बाहर से ही लेकर जाते हैं या वहीं से अंदर से कोई रास्ता बना होता है। आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, लेकिन ये कि हाँ इंडिया की खूबसूरती ये है कि आपको हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगे। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो आपको मतलब सबको ऑलमोस्ट पता था, दुनिया में काफी ज्यादा लोग जानते हैं, बारे में होली दिवाली होगी, गरबा हो गया, लोग इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन है। ये जो हम कहेंगे ना कि मतलब एक खास तरह के मतलब स्टेट लेवल के हम बोलेंगे मौजम, या कि एक खास कम्युनिटी के बोलेंगे, खास जैसे मारवाड़ी लोगों हाँ। के बारे में बीच में जिक्र किया गया कि उनमें ये बहुत ज्यादा जो है वो बेसिकली उन्हीं का फेस्टिवल है, बहुत अच्छे से बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह के अपने अपने बड़े खूबसूरत, जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र में देखें, महाराष्ट्र में भी हम लोगों को एक अलग ही एक्साइटमेंट नजर आती है जब हम लोग फेस्टिवल्स देखते हैं, खासतौर पर जब हम वहाँ पे जो है देखते हैं वाला गणेश चतुर्थी देखते हैं, तो वो देखते हैं तो काफी ज्यादा जो है एक जोशो खरोश नजर आता है। तो आई थिंक हर जगह पे कुछ ना कुछ मुझे लगता है डिफरेंट फेस्टिवल्स लोग हर दिन मुझे लगता है सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल हमने देखे हैं, लेकिन जैसे अगर हमने महाराष्ट्र की बात की, फिर उसके बाद अगर हम गुजरात की बात करें तो वहां पर जो है गरबा, अगर कोलकाता की बात करें तो वहां पे दुर्गा पूजा, तो अगर पंडास, तो अगर देखा जाए तो जो जो फेस्टिवल जहां जहां के है ना, तो उन उन जो है एरियाज में वो बड़े जोशो खरोश के साथ मनाए जाते हैं। वैसे तो मनाए जाते हैं हर जगह पर, लेकिन ये कि जहां से आई थिंक वो बिलोंग करते हैं वहां पर एक अलग लेवल का वो जोश देखने को मिलता है। वेल गाइज, ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी, मजा आया देखकर, काफी डिटेल में बताया गया था किस तरीके से पूजा की जाती है और किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो इसको हम कहेंगे कि सेलिब्रेट करती हैं इस फेस्टिवल को, तो मजा आया देखकर। और पूछा मैं ये चाहूंगी जाते हुए कि जो लोग राजस्थान से नहीं है यानी कि दूसरे सिटी से हैं, उन लोगों में से किसी ने घेवर की मिठाई खाई है जरूर बताइएगा, और ये टेस्ट में कैसी होती है ये भी जरूर बताइएगा। वैसे मुझे लगता है खस्ता खस्ता टाइप होगी ये ना, हाँ, क्योंकि जिस तरह की वो एक जगह लटकाई हुई थी ना, हाँ, तो वहां पर देख रहे खस्ता खस्ता, ऑयली भी लग रही है मुझे, बहुत मुझे मुझे बहुत ज्यादा ऑयली नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है पतीसा टाइप नहीं होती है, मुझे मुझे जो है ना वो पूड़े टाइप लग रही है, मैं भी पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है इसको देख के मुझे ना वो ब्राउन कलर का पतीसा नहीं वो याद आ जा रहा है। बिल्कुल। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ गुड बाय।